हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सूची पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास डोंगरगांव। तो चलिए बच्चों, हम एक्सरसाइज नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, जिनमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। उनमें से हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए उसी से संबंधित अपन एक्सरसाइज नंबर 3 में हम और देखेंगे, है ना। भारतीय क्वेश्चन इसमें गिवन है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो हम सॉल्व कर चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 48 एंड प्रोडक्ट इज 432। ओके, इसमें टू नंबर्स का सम कितना गिवन है 48 एंड प्रोडक्ट इज 432, उसका प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको वो नंबर्स फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा, सपोज लेते हैं अपन 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। उसमें बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 432 क्वेश्चन उसमें गिवन है। तो सपोज हम लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, टू नंबर्स x एंड y। ओके, तो हो जाएगा आपका, इसको लेके चलेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर पूछा है आपका, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे तो अलग होगा, है ना। नंबर्स ओनली पूछ रहा है, तो उसमें एक तो 100 होगा तो दूसरा 50 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर्स हो सकता है आपको। बट अगर आपको कंसेक्यूटिव बोलेगा तो अगर 1 नंबर्स 100 तो सेकंड नंबर 1 से ही बोला ऐसा होगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में वही था कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो यहां पर 2 नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है जी, तो लेट, है ना, फर्स्ट नंबर इसमें मान लेते हैं क्या एक्स, है ना, एंड सेकंड नंबर चलो क्या लेते हैं, चलो y है, क्या लेते हैं y। अब सम ऑफ टू नंबर्स 48 तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टू कंडीशन गिवन, प्रोडक्ट एंड सम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना, फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है आपको सम। ओके, टू नंबर्स का सम, तो ये जाएगा x plus y is equals to 48। ओके, x plus y is equals to 48 यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो ये होगा आपका y is equals to 48 minus x। ओके, गिवन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 432, मींस x इनटू y इज इक्वल्स टू 432, एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसमें वैल्यू ऑफ y 48 माइनस x, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ओके, तो हो जाएगा आपका x इनटू वैल्यू ऑफ y 48 माइनस x, मींस हो जाएगा 48 माइनस x वैल्यू पुट कर दिए इज इक्वल्स टू 432। ओके, दैट मींस 48 इनटू x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 48x माइनस x इनटू x x टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 432। ओके, अब इस सबको नंबर उधर पक्षांतर कर ट्रांसफर कर देंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस x इसको ट्रांसफर होगा प्लस x स्क्वायर, प्लस 48 ट्रांसफर होगा माइनस 48 में ट्रांसफर होगा, है ना, और प्लस ये जैसा है वही रहेगा 432। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन इसमें देखिए, इसको ध्यान ले सकते हैं, तो सो x स्क्वायर माइनस 48 प्लस 432 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड आर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स,
किसी भी मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सपोज मैं इसको लेता हूँ, कंपेयर करूँगा, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 मींस a इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x b इज इक्वल टू माइनस 48 एंड लास्ट c इज इक्वल टू 432। ओके, अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन, मींस a इनटू c इज इक्वल टू 1 into 432 is equal to 432। अब इसको है ना, अब देखो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 48। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आया, अब पॉजिटिव नंबर्स आया मीन्स आपको जो मिडिल टर्म है उसको आपको टू पार्ट्स में 8 करके हम डिवाइड करेंगे। अब 8 कैसे हो सकते हैं, तो माइनस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस प्लस हो सकता है, ठीक है ना जी, वो साइन पर डिपेंड करेगा। जैसे मिडिल में क्या है माइनस साइन, तो सब लोग दोनों नंबर जो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको नेगेटिव नेगेटिव नंबर सबको गिवन करना पड़ेगा उसको ना। तो चलिए क्या होगा, चलिए ये हो जाएगा आपका 12 इनटू 36 कर सकते हैं इसको, 12 इनटू 36 देखो 62 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं चाहे तो, 42 इनटू 36 जी 12 6 से कितना हो जाएगा आपका 72 एंड 12 13 जा 36 और हो गया आपका 7, हाँ बिल्कुल 32, तो ये हो गया 436, 432। मींस इसको हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में 48 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, 36 प्लस 12 ऐड करो 48 आएगा आपका, हो गया। तो चलिए इसी को हम तोड़ेंगे, तो इसको हमको देखना है मिडिल टर्म क्या है आपका, माइनस टू माइनस एंड माइनस, ओके, तो माइनस इनटू माइनस ऑलरेडी प्लस एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 432 भी अवेलेबल होगा, ठीक है, हो गया। अब चलिए इसी को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36x दिस प्लस 432 इज इक्वल टू 0, ओके, टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ऐसा, हो गया। अब इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, तो x इनटू x कॉमन, 12 कॉमन हो गया, नहीं हो सकता, x माइनस 12, ओके, यहां से x पावर 2 1x कॉमन x माइनस 12 माइनस 36x 432 मींस यहां पर 36 into 12 is equal to 432, okay? Means यहाँ पर 36 common, तो 36 common ले लिए हमने, यहाँ क्या बचेगा x, और देखिए first term negative and second term positive, then first term से अपन negative common निकालेंगे, तो second term यदि positive है, तो क्या होगा वो negative, means ये क्या हो जाएगा negative, और यहाँ पर 12 into 36, 36 common, then x माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पर 0, ओके, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, माइनस 36 इनटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट x माइनस 12 कॉमन, देन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड x माइनस 12 और x माइनस 36 फैक्टराइज हो गया, अब इसको सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल लेंगे, ओके, सेपरेट टू इक्वल 0 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है ना, देन x इज इक्वल टू माइनस 12 ट्रांसफर होगा प्लस 12 एंड x इज इक्वल टू 36, ओके, तो वैल्यू ऑफ x मींस टू नंबर से हो गया आपका। अब इसको चाहे तो यहां कर सकते हो है ना, एक मान लो फर्स्ट नंबर 12 हो, सेकंड नंबर 36, ओके, एंड फर्स्ट नंबर 36 सेकंड नंबर 12 यहीं से आप ले सकते हो, ओके, तो चलिए यहां लेते हैं, हैंस हां नेगेटिव नंबर्स आएगा तो आपको नहीं लेना है, ओके, नेगेटिव नंबर्स कोई नंबर्स नहीं होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा, हैंस यहां लिख देता हूं है ना, हैंस टू नंबर्स यानी तो फर्स्ट नंबर इज आपका ले लो 12 एंड
सेक्रेट नंबर इस 36, ओके, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है जी, है ना, या इस परसेंट से तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर हो गया, तो इस तरह के आप ले सकते हैं, हो गया, क्लियर हुआ, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट कंडीशन आपको क्वेश्चन है आपका ये क्लियर हुआ, एंड क्वेश्चन नंबर 6, ओके, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर्स इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ओके, यहां पर गिवन है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल इज 165, है ना, राइट एंगल कैसा होता है आपका, चलिए लेते हैं, है ना, राइट एंगल मींस ये कंडीशन हो गया परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ओके, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ए बी सी, ओके, तो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ओके, तो यहां पर कंडीशन क्या गिवन है, इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल है ना कितना गिवन है 165 मीटर स्क्वायर, ओके, तो यहां पर क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करनी है, देखिए यहां पर क्या है, इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, है ना, तो राइट एंगल का जो बेस है जो आपका हाइट है क्या बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस हाइट समझ, है ना, तो ये हाइट जो है इस बेस का क्या है मोर देन 7 है आपका, मोर देन 7 मींस इससे 7 अधिक है ये, ठीक है जी, तो ये होगा आपका, चलिए मान लो मैं बेस को लेता हूं, इस बेस से मोर देन 7 है कौन, हाइट, हाइट मींस परपेंडिकुलर मींस ये हो जाएगा आपका x + 7 मोर देन 7 मींस इससे 7, ओके, तो ये हो गया आपका, अब चलिए यहां पर लेते हैं क्वेश्चन, क्लियर हुआ है ना, क्या दिया राइट एंगल एरिया ऑफ राइट एंगल्स 165 मीटर स्क्वायर्स एंड इफ द हाइट ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस, बेस का ये जो है 7 अधिक है बोल रहा है, ओके, ठीक है, यहां पर देखो क्या बनेगा जी, ये बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर क्या होता है इससे 7 अधिक होगा ना, 7 अधिक बोला मोर देन 7 होगा आपका, ओके, तो लेट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट क्या बेस, ठीक है जी, तो बेस ऑफ ले लेते हैं ना, लेट बेस ऑफ राइट एंगल एंगल ट्रायंगल इस क्या लेते हैं अपन एक्स, ओके, ठीक जी, तो हाइट क्या होगा, हाइट मींस परपेंडिकुलर है ना, कितना होगा आपका एक्स प्लस 7 एंड हाइट एक्स प्लस 7 मीटर, ओके, ये भी क्या हो गया मीटर, ओके, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स मीटर एंड हाइट ऑफ राइट एंगल एक्स प्लस 7 मीटर, ओके, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, ये हो गया आपका, अब चलिए ये तो निकल जाएगा है ना, अब हम क्या करते हैं, कंडीशन क्या बोला उसमें देखिए, कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल गिवन है उसमें कितना होगा, देन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होगा जी, इज इक्वल टू 1/2, इसमें एंगल गिवन है शायद कितना गिवन है 165 गिवन है, ओके, है ना, अब देखिए ये गिवन है बट हम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट बेस इनटू परपेंडिकुलर और इज इक्वल्स टू 165, ओके, बेस, ओके,
then work 1 by 2 and base x, okay, base क्या है x and height x plus 7, तो हो गया आपका x into x plus 7 is equals to 165, okay, and next x into x, x square plus x into 7, 7x and 2 मल्टीप्लाई उधर ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा आपका 2 5 10 एंड 2 6 12 एंड 1 30 एंड 2 1 2 एंड 1 330 330, ओके ठीक है जी, 330 मल्टीप्लाई की इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके ट्रांसफर कर देते इधर तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, चलिए ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा x टू द पावर 2 प्लस 7x माइनस 330 इक्वल्स टू 0, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, ओके जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं सेम टू सेम वैसे सॉल्व करेंगे इसको, ओके तो चलिए ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ओके तो आज के लिए बस इतना ही है ना, अपन नेक्स्ट क्लास में और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके थैंक यू।